वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक टार्जन ने भी मोती सिंह समेत चार लोगों पर मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत मधुपुर थाने में की। इस देश में और इस प्रशासन के बीच जो हालात है ये बहुत दुखदायक है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करता है वैसे लोगों को संरक्षण मिलती है और जो उनका विरोध करता है वैसे लोगों पे कार्रवाई होती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है मधुपुर लॉपाला फैक्ट्री जो है वो नियम कानून को ताक पर रख कर अपना फैक्ट्री चलवा रहा था। चूँकि उस वहाँ के यूनियन का मैं संरक्षक हूँ, वरिष्ठ सलाहकार हूँ, मेरी दायित्व तो है कि उसको नियम कानून को देखना है। मैं मना करने गया, हमारे साथ उलझ गए, हमारे साथ मारपीट की नौबत आ गई। मोती सिंह जान से मारने के नियत से गले में गमछे लगा दिया, भट्टी में जलाने के लिए लेके जा रहा था मुझे। वो तो भाग्य अच्छा था कि हमारे कुछ यूनियन के लोग थे जिन्होंने हमको बचाया, उल्टा वो आवेदन थाने में दे के हम पर FIR करवाया है। काफ़ी दुख की बात है। आज हमारे शिवादास जी को बुला लिया, उनको गाली गलौज दे दिया, जाति सूचक गाली गलौज दिया है। यहाँ हो क्या रहा है? सरकार बदली हुई है, यहाँ के पदाधिकारी को समझना चाहिए। दलाल और बिचौलियों को लेकर ये चलता है अपने साथ में, इसका परहेज करना चाहिए। एक जो वहाँ के प्यारो है मोती सिंह अपने आप को कहलाता है, पहले से उस पर दंगा भड़काने का FIR उस पर है, उसको कुर्सी देके बैठाता है प्रशासन। पदाधिकारी चाहता क्या है यहाँ पर? मैं जिला प्रशासन से और DJP से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी ऐसे प्रशासन को यहाँ से हटाया जाए। ये बिचौलियागिरी कर रहा है शहर में, शहर में लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। आज हमने भी अपना आवेदन थाने में दिया, अगर हमारे आवेदन पर FIR नहीं हुआ, शिवादास को जाति सूचक गाली दिया, हमारे अध्यक्ष को गर्दन पकड़ के बाहर से निकाल दिया, ये हो क्या रहा है? पता चलना चाहिए कि सरकार बदली हुई है या और जनप्रतिनिधि हैं वो सोए हुए हैं, गुंडा राज यहाँ कायम है, पैसे वाले का बोलबाल है।